मेरे पास एक भाई आते हैं, वो मेरे पार्क में दोस्त बने थे, पहले भी मैंने अपनी वीडियो में उसके बारे में बताया। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने अमेरिका के जो डेंटिस्ट हैं ना उनसे अपना इलाज कई साल कराया है, मेरे दांतों की बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती। मैंने उसे कहा यार जहाँ इतने बड़े डॉक्टर से कराया है साढ़े कहते भी करके वेख ला। अच्छा इसमें पैसे भी नहीं लगेंगे? तो कहते क्या करना है। मैंने उसे कहा कि केले से पेस्ट किया कर। यकीन जानो उसने चंद दिन किया, मेरे पास आया, मुझे कहता यार शराफत ये तो कमाल चीज है। किस भाई का मसला है? ये किसका सवाल है मेरे मोहतरम भाइयों? मैं आपको बताता हूँ, चलो जो भी है। जो भाई कहते हैं ना मुझे केले से फर्क नहीं पड़ा, पहली बात तो ये कि इसको ना वैसे ही पेस्ट करो जैसे टूथपेस्ट करते हो, जैसे वो प्रॉपर। अच्छा टूथपेस्ट में पता है क्या होता है, वो झाग इतनी ज़्यादा होती है बंदा मारता जाता है, पहले कुली करता है फिर उसको मारना शुरू कर देता है, फिर कुली करता है फिर मारना शुरू कर देता है। ये झाग इसलिए वो ज़्यादा पैदा करते हैं ताकि ये ज़्यादा देर इसको साफ करने में रगड़ने में लगा रहे। मेरे मोहतरम भाइयों केले से हम ये करते ही नहीं हैं। 5 मिनट तक केले से पेस्ट करो। कितने मिनट? 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, 10 मिनट। यकीन जानो मैंने ऐसे ऐसे मसले दांतों के जो कई सालों से थे। मेरे पास एक भाई आते हैं, वो मेरे पार्क में दोस्त बने थे, पहले भी मैंने अपनी वीडियो में उसके बारे में बताया। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने अमेरिका के जो डेंटिस्ट हैं ना उनसे अपना इलाज कई साल कराया है, मेरे दांतों की बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती। मैंने उसे कहा यार जहाँ इतने बड़े डॉक्टर से कराया है साढ़े कहते भी करके वेख ला। अच्छा इसमें पैसे भी नहीं लगेंगे? तो कहते क्या करना है। मैंने उसे कहा कि केले से पेस्ट किया कर। यकीन जानो उसने चंद दिन किया, मेरे पास आया, मुझे कहता यार शराफत ये तो कमाल चीज़ है। अच्छा जिसको केले से फ़र्क नहीं पड़ा वो क्या करे? मेरे मोहतरम भाई उसको चाहिए कि वो सरसों के तेल में हल्दी मिक्स करे, सरसों के तेल में, और उसको ब्रश के ऊपर लगा के उसको पेस्ट करे, उसके साथ दांत साफ करे। अच्छा उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो मेरे मोहतरम भाइयों फड़कड़ी लो, फड़कड़ी वो लो, उसको पानी के अंदर डालो, बड़े सारे पीस को पानी में डालो, एक गिलास पानी में, उसको कुछ 100-200 दफ़ा एक तरफ घुमाओ, फिर 100-200 दफ़ा दूसरी तरफ घुमाओ, फिर उस फड़कड़ी को निकाल दो, मुंह में पानी लो, अपने दांतों में अच्छी तरह उसको टच करो, उसके दांतों के साथ भी और उसके मसूड़ों के साथ भी, और उसको कुली कर दो, पीना नहीं है। पूरे ग्लास को इसी तरह करो, एक दफ़ा सुबह, एक दफ़ा दोपहर, एक दफ़ा शाम, ये 3 काम करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह दांतों के जितने मसाइल हैं ठीक हो जाएंगे।